भागलपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए नशे का कारोबार करने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़ी गई महिला के पास से प्रतिबंधित कप सिरप, टैबलेट इंजेक्शन और हथियार भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति ततारपुर शहादत हुसैन लेन निवासी इजहार आलम उर्फ बब्बन खान के साथ मिलकर इन प्रतिबंधित दवाओं की खरीद बिक्री करती थी। शनिवार को सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले की विस्तार से जानकारी दी। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से नशे के अवैध कारोबार पर कड़ी चोट मानी जा रही है और मामले की गहन जांच भी जारी है। भागलपुर के निर्देश अनुसार जिला में अवैध शराब और अन्य मादक पदार्थों को बिक्री, भंडारण एवं इसके अवैध कारोबार बारे में लगातार चकमारी चलाया जा रहा है। इसी क्रम पे 27/9/24 को एक गुप्त सूचना मिली है तातापुर थाना को। इस सूचना में शहादत हुसैन लेन में इजगार आलम अपने पत्नी के साथ मादक पदार्थों को बिक्री करते हैं। इस सूचना मिलने पर यह सूचना को सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार एक विशेष टीम गठन किया गया है। इस टीम पे नगर पुलिस उपाधीक्षक एक और तातारपुर थानाध्यक्षक सह प्रशिक्षण पुलिस उपाधीक्षक और अन्य पुलिस पदाधिकारी और अंचल अधिकारी जगदीशपुर इनके साथ उस लोकेशन पर चकमारी किया गया। चकमारी क्रम में प्रतिबंध कॉफ सिरप 50 बोतल, देशी पिस्तल एक, एयरगन एक, नगद 27,000, प्रतिबंध टैबलेट 260 पीस, प्रतिबंध इंजेक्शन 30 पीस बरामद किया गया है। साथ ही बीबी रोशनी उम्र 27-28, पति इजगर आलम तातारपुर थाना जिला भागलपुर, इनको विधिवत गिरफ्तार किया गया। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर पंचायत के रहमत बाग गांव में 3 दिन से लापता युवक का शव एक अर्धनिर्मित मकान में फंदे से लटका हुआ बरामद हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष सफदर अली अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। इसके बाद सिटी एसपी के रामदास और DSP2 राकेश कुमार भी घटना स्थल पर पहुंचे और लगभग आधे घंटे तक मामले की जाँच पड़ताल की। वहीं एफएसडी टीम द्वारा जाँच के बाद शव को वहाँ से बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान मुंगेर जिला के बरियारपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव निवासी राम अवतार मंडल के पुत्र राजा कुमार के रूप में हुई है। मृतक के बड़े भाई किशन कुमार ने बताया कि राजा मोबाइल पर एक लड़की से बात कर रहा था, जिस पर उसे बड़े भाई ने फटकार लगाई थी, जिसके बाद राजा घर लौटने की बात कहकर निकला, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। परिवार के लोग उसे ढूंढते ढूंढते रहमत बाग स्थित उस अर्धनिर्मित मकान पहुंचे, जहां उन्होंने राजा को फंदे से लटका पाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रहने वाले लेबर मिस्त्री राजमिस्त्री हैं कि जो कि मकान बनाने समिति के कार्य करते हैं कि और ये अपने भाई के साथ रहा करते थे या कि और किसी लड़की से लड़का बात कर रहा था, जिस पर एक बड़े भाई के द्वारा डांट डपट किया गया था, जिससे वो गुस्सा में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। इसमें क्या सर, हत्या या आत्महत्या है सर, क्या जताया जा रहा है? हम दृष्टिया तो ये आत्महत्या ही लग रहा है, उसमें हमारी फसल टीम भी आई हुई है, जांच की जा रही है, उसके बाद कोई निर्णय होगा। इसको कौन थाना क्षेत्र में है सर? ये पड़ेगा मधुसूदन क्षेत्र पड़ता है। भागलपुर के टाउन हॉल में 2 दिवसीय जिला युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल इस उत्सव का उद्देश्य जिले के युवा प्रतिभागियों को एक मंच प्रदान करना है। शनिवार को युवा उत्सव का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार और उप विकास आयुक्त प्रदीप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा
इस उत्सव में विभिन्न कलाओं के युवा कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्सव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को राज्य स्तरीय उत्सव के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने सभी कोचों से अपील की है कि वे अपने अपने विद्या के कलाकारों को बेहतर प्रशिक्षण दे ताकि भागलपुर का नाम रोशन हो सके। दरअसल यह उत्सव युवाओं में छिपी प्रतिभा को निखारने और उन्हें एक मंच प्रदान करने का सुनहरा अवसर है। यह उत्सव न केवल युवाओं के लिए बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व का विषय है। जिला युवा उत्सव 2024 का आयोजन हो रहा है, इसमें विभिन्न विधाओं के कलाकार हैं, उनको हम लोगों ने बुलाया है और जो बेस्ट टैलेंट उनको हम लोग सर्च करेंगे और सर्च करके उनको राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भेजेंगे। हमने अपने टीम को यह भी निर्देश दिया है कि जो कलाकार भी हमारे चुन करके आते हैं उनको और हम लोग बेहतर प्रशिक्षण भी दें, जो डिफरेंट कोच हैं या जो विभिन्न विधाओं के उनसे हम कोच कराएं ताकि अंग प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन बिहार के हर जगहों पे हो और देश स्तर पर इसका रिप्रेजेंटेशन। शराब तस्करी के एक मामले में भागलपुर उत्पाद कोर्ट ने ट्रक चालक दिलीप सिंह को 5 साल की कठोर कारावास और 1,00,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। दरअसल यह सजा 26 जून 2023 को नवगछिया के तेतरी चौक पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दिलीप सिंह के खिलाफ बिहार मद निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत दी गई है। विशेष न्यायाधीश उत्पाद 2 राजेश कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए दिलीप सिंह को दोषी पाया। वहीं सजा के दौरान यह भी तय किया गया यदि अभियुक्त जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे 3 महीने की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बताया कि मद निषेध विभाग को सूचना मिली थी कि एक ट्रक भारी मात्रा में शराब लेकर भागलपुर से नवगछिया की ओर जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने तेतरी चौक पर ट्रक को रोका जिसके चालक दिलीप सिंह को गिरफ्तार किया गया। वहीं ट्रक से 4,383 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया था जिसे छिपा कर रखा गया था। सरकार की ओर से इस मुकदमे में विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल के साथ अन्य अधिवक्ताओं ने बहस में भाग लिया। नवगछिया 214-23-30A में केस दर्ज हुई थी। 26/6/2023 को थाना को गुप्त सूचना मिली पटना के द्वारा कि एक भागलपुर की तरफ से एक ट्रक भारी मात्रा में शराब लेकर नवगछिया की तरफ आ रही है। पुलिस ने छापेमारी किया, तेतरी के पास लगभग 1400 लीटर ट्रक में शराब पाई गई। उसमें 4400 लगभग लीटर शराब थी। उसमें अभियुक्त के रूप में दिलीप कुमार सिंह जो चालक था ट्रक का वह गिरफ्तार हुआ। उस ट्रक में सीमेंट के तर में शराब रखी हुई थी। और आज ADJ 12 उत्पाद को 2 में उस बाद में सजा सुनाई गई। 5 साल की सजा, 1,00,000 रुपया की जुर्माना। भागलपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जीवन यापन में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर द्वारा राहत सामग्री का वितरण किया गया। नाथनगर के लालूचक में बाढ़ पीड़ितों के बीच सोसाइटी ने राशन वितरित किया। जीवन जागृति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि उनकी समिति हमेशा आपदाओं के समय जरूरतमंदों की मदद के लिए सक्रिय रहती है। इस बार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राशन नहीं मिल पाने की जानकारी मिलने के बाद समिति ने चूड़ा और चीनी का वितरण किया है। समिति का यह कदम बाढ़ पीड़ितों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया जिससे वे इस कठिन समय में अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर सके। भागलपुर सुल्तानगंज के तिलकपुर पंचायत के तिलकपुर ठाकुरबाड़ी के निकट बैकटपुर दुधेला पंचायत के बाढ़ पीड़ित किसानों को एक स्थानीय युवक बबलू मंडल ने निशुल्क भोजन कराया। बबलू मंडल ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में बताया कि गंगा का जलस्तर बढ़ने से पिछले 10 दिनों से बैकटपुर दुधेला पंचायत के कस्माबाद
अटगामा बलवा टोला और कुदरा भट्टा के हजारों किसान तिलकपुर ठाकुरवाड़ी के पास NH 80 सड़क पर शरण लिए हुए हैं। इन किसानों को अब तक सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिली, जिसके बाद बबलू मंडल ने अपने स्तर पर टेंट की व्यवस्था करवाई ताकि बाढ़ पीड़ित किसान तेज धूप और बारिश से बच सके। शनिवार को बबलू मंडल ने इन किसानों के लिए खिचड़ी चोखा और अचार का निःशुल्क भोजन कराया। वहीं बबलू मंडल ने बिहार सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि बाढ़ पीड़ित किसानों के पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जाए और किसानों को उनकी बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए ताकि उनका जीवन यापन हो सके। इस दौरान बाढ़ पीड़ित किसानों ने भी सरकार से चारा और फसल बर्बादी के मुआवजे की मांग की। मौके पर दर्जनों बाढ़ पीड़ित किसान और ग्रामीण मौजूद थे।